हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद एहसन और सीएसएस की इस क्लास में हम सीएसएस 3 की एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। वो है ट्रांसफॉर्म्स। इसकी भी दो टाइप्स हैं, 2D ट्रांसफॉर्म्स और 3D ट्रांसफॉर्म्स। हम अभी इस क्लास में इस 2D ट्रांसफॉर्म्स को कम्प्लीट करने की कोशिश करते हैं। ये जो इसमें कुछ ये सब प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, स्क्यू, एक्स और स्क्यू वाई, मैट्रिक्स। फ्रेंड्स, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इस पे कुछ मैथ की कैलकुलेशन होती है और इसके हम कुछ वैल्यूज, यही चीज़ें जो हम यहाँ पे करेंगे ना, वहीं हम ये जो हम यहाँ पे ये असल में ये 6 टैग हैं, स्क्यू वाई मैंने इकट्ठा लिखा हुआ, यहाँ पे अलग लिखना था। तो यही है कि वहाँ पे हम 6 वैल्यू लेके इन सारों को वहाँ पे एक ही लाइन में डिफाइन कर देते हैं। तो बहरहाल वहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होती है, तो इसलिए मैं वो रहने देता हूँ, हम अभी इन्हीं को ही करेंगे। तो इसके लिए मैं अपनी वो फाइल्स ओपन करता हूँ और इसमें हम क्या कर रहे थे लास्ट टाइम, मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, नोटपैड ओपन करता हूँ मैं अपना और एक न्यू फाइल बनाता हूँ। इसको मैं सेव एज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नेम लिख लेता हूँ css3.html, तो सेव कर लेता हूँ। अब मैं ड्रीमवीवर ओपन करता हूँ और इसमें भी मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ css की, और इसको भी मैं सेव कर लेता हूँ, css3 ही सेव कर लेता हूँ इसको भी .css के नेम से। तो अब मैं सबसे पहले इस फाइल को इंक्लूड HTML5 का मैं एक लेआउट बना लेता हूँ पहले। अब मैं यहाँ पे उस फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ लिंक, और मैंने उसका नेम रखा है css3.css, ये नेम है उसका, साथ एक्सटेंशन भी। तो अब हम अपना यहाँ से अपना वर्क शुरू करते हैं। मैं ये बता दूँ कि ट्रांसलेट क्या होती है। ट्रांसलेट प्रॉपर्टी हम जो एक ब्लॉक बनाते हैं टेक्स्ट का, या कोई इमेज या कोई बॉक्स वगैरह, हम उसको मूव कराने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं वो ट्रांसलेट होती है इसी तरह। और रोटेट क्या होती है, हम उसको रोटेट कर सकते हैं। और स्केल क्या होती है, उसको हम स्केल में हम उस जब कुछ वैल्यू देते हैं कि हम उस कितने गुना उसकी उसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं। उसकी दो वैल्यूज होती हैं, फर्स्ट जो होती है वो वेट स्केल, अगर हम फर्द को यहाँ पे लेंगे स्केल 2 या 3, 2.3, उसको क्या होगा कि जो 2 होगी वो उसकी वेट को 2 टाइम, मतलब उसको 2 गुना उसको इंक्रीज कर देगी, और जो 3 वैल्यू होगी उसकी हाइट को 3 गुना इंक्रीज कर देगी। तो बहरहाल हम इनका प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक डिव टैग बना के उसकी मैं क्लास रख लाऊं div1 रख लेता हूं मैं div1, और इसके अंदर मैं कुछ एक पैराग्राफ लेके इसके अंदर मैं कुछ टाइप कर देता हूं। क्या टाइप कर देते हैं, मैं इतना टाइप कर देता हूँ। अब हम आते हैं अपने ड्रीमवीवर की फाइल में, वहाँ पे मैंने क्या लिया है क्लास div1, तो मैं यहीं पे इसको क्लास को कॉल कर लेता हूँ div1, और अब मैं इस पे अपने वो स्टाइलिंग कर लेता हूँ। मैं इसके पहले विड्थ दे देता हूँ, विड्थ हम ले लेते हैं इसकी, मैं विड्थ ले लेता हूँ 300 पिक्सल ले लेता हूँ, और इसकी हाइट मैं ले लेता हूँ 200 पिक्सल की, और इसके मैं बैकग्राउंड कलर मैं ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ पिंक ले लेता हूँ, और इसी तरह अब मैं इसका कुछ बॉर्डर भी ले लेता हूँ, बॉर्डर मैं ले लेता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू कर लेता हूँ। और इतना तो मैंने कर लिया, अब मैं इसको ब्राउज़र में रन करके देखता हूँ कि यहाँ वहाँ पे कैसा शो हो रहा है,
ये देखें यहाँ पे ये शो हो रहा है और इसका बॉर्डर शायद हमें शो नहीं हो रहा, बॉर्डर में भी जी इसमें कुछ ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसलिए बॉर्डर शो नहीं हो रहा था हमारा। आप देखें हमारा बॉर्डर शो हो जाएगा, ये देख लें। अब मैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, कीवर्ड लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। उसके बाद अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ट्रांसलेट है और भी बहुत हैं, तो मैं सबसे पहले ट्रांसलेट लेता हूँ। ट्रांसलेट में हम जो पहली वैल्यू देते हैं, इसमें तो हम दो वैल्यूज देते होते हैं, जो पहली वैल्यू हम देते हैं वो होती है विड्थ के लिए। अगर मैं यहाँ पे ट्रांसलेट विड्थ मैं ले लेता हूँ 100 पिक्सल, और मैं हाइट ले लेता हूँ, एक और वैल्यू लेता हूँ वो मैं लेता हूँ 200 पिक्सल। इससे क्या होगा कि ये हमारे जो हमने डिव वन लिया है कुछ टेक्स्ट वो कुछ छोटा सा बॉक्स बना के, ये उसको 100 पिक्सल जो हाइट होगी, सॉरी हाइट नहीं है, ये लेफ्ट और राइट की बात हो रही है, वो लेफ्ट से 100 पिक्सल इसको मूव कर देगा और इसी तरह टॉप से इसको 200 पिक्सल मूव कर देगा। जो फर्स्ट वैल्यू है वो उसको 100 पिक्सल मूव कर देगा लेफ्ट साइड से, सेकंड वैल्यू ये उसको टॉप से मूव कर देगा 200 पिक्सल। तो इसके लिए हम वो वेबकिट भी यूज़ करते होते हैं क्योंकि ये CSS3 की प्रॉपर्टी है, तो इसके लिए हमें वो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ वेबकिट, क्योंकि मैं ये क्रोम यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैं सिर्फ वेबकिट का ही यूज़ करूँगा। और ये जो प्रॉपर्टी है इसमें ओपेरा के हम और नहीं लिखते, इसके ओपेरा के लिए सिर्फ वेबकिट ही यूज़ करते होते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें हम ओपेरा के लिए और लिखते होते हैं, वो मैं साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ और बताता भी जाऊँगा आगे जो भी आएंगी। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये आप देखें क्या होता है। ये देखें जो 100 पिक्सल इसने लेफ्ट से हमारे इसने उसको मूव कर दिया और 200 पिक्सल टॉप से इसको मूव कर दिया। तो मैं इसलिए बता रहा था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो लेफ्ट के लिए, जो सेकंड होती है वो टॉप के लिए। अब हम आगे चलते हैं क्योंकि ये क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी नहीं तो। अब मैं एक और डिव टैग बना लेता हूँ, डिव डॉट डिव टू दे देता हूँ मैं इसको आईडी, क्लास दे देता हूँ सॉरी, और इसके अंदर मैं एक पी टैग बनाता हूँ, इसके अंदर भी मैं वही टैक्स लिख लेता हूँ अलियज नॉट वर्किंग। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ताकि मेरा टाइम बच जाए। मैं पेस्ट करता हूँ जो इसको मैंने आईडी दी है वो मैंने डिव टू की दी हुई है, और अब मैं क्या करता हूँ वही कुछ रहने देता हूँ, बस सिर्फ मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना चाहता हूँ। रोटेट की प्रॉपर्टी है, अब हम लेने वाले हैं रोटेट, तो मैं यहाँ सिर्फ लिख दूंगा रोटेट रोटेट, और इसमें हम वैल्यू देते हैं एंगल में, कितनी मैं लेता हूँ यहाँ पे मैं लेता हूँ 20 डिग्री, DEG हम लिखते होते हैं। इसी तरह मैं सेम इसको भी ऐसे ही लिखूँगा नीचे वेबकिट में, ये आप देख इस तरह ब्रैकेट के अंदर आपने लिखने 20 डिग्री वैल्यू। और अब मैं जब रिफ्रेश करता हूँ अपने ब्राउज़र को तो देखें क्या होगा, ये देखें एक मेरा और टैग है, तो मैं पहले इसको ना 10 पिक्सल कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ, ये अच्छा नहीं लग रहा है इधर नीचे। ये देखें मैंने इसको क्या किया है कि 20 डिग्री ये रोटेट हो जाए, तो इसीलिए वो 20 डिग्री रोटेट हो गया। अगर आप ये एक्स एक्सेस से रोटेट हुए, अगर आप चाहते हैं कि ये वाई एक्सेस से जाके रोटेट हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसको माइनस में अगर वैल्यू दे दें तो इस देखें इस पर क्या चेंजेस आती हैं। ये देखें अब ये उल्टा हो गया है, तो ये है रोटेट की प्रॉपर्टी। अब मैं इसी तरह एक मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और अब मैं इसको डिव 3 दे देता हूँ, और अब मैं जाता हूँ ड्रीमवीवर में जो हमने एक्सटर्नल शीट बनाई है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ
और इसको मैं डिव 3 दे देता हूँ। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं जो यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा स्केल की प्रॉपर्टी। स्केल की प्रॉपर्टी क्या है, इसमें हम कुछ, इसमें भी हम दो वैल्यूज लेते होते हैं स्केल में। एक होती है जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो विड्थ के लिए होगी, जो सेकंड होगी वो हाइट के लिए होगी। और इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम जो वैल्यू दे रहे हैं, अगर जो इसमें एक स्केल में हम जितनी वैल्यू देते हैं उतने टाइम्स उसकी एरिया बढ़ जाता है। मैं अभी ये लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ स्केल। इसी तरह मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्केल एस। स्केल के बाद अब मैं ना इसकी थोड़ी इसको लिए 100 कर देता हूँ, विड्थ 100 कर देता हूँ, उसकी हाइट में कर देता हूँ 70 पिक्सल। और इसको मैं स्केल पे भी, स्केल पे अब मैं वैल्यू दूंगा, मैं यहाँ पे देता हूँ 2 ये हाइट के लिए, सॉरी विड्थ के लिए, और ये 3 ये हाइट के लिए। इस तरह मैं यहाँ पे भी यही वैल्यू देता हूँ 2 3। अब क्या होगा कि 2 टाइम्स इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी और 3 टाइम इसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी। मैंने सेव कर लिया इसको, मैं रिफ्रेश करता हूँ। ये देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको यहाँ पे मार्जिन दे दूँ, मार्जिन लेफ्ट हम ले लेते हैं 100 पिक्सल ले लेते हैं, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, पोजीशन एब्सोल्यूट, ये आप ऊपर जाके हमें दूसरों की पोजीशन रिलेटिव करनी पड़ेगी तो फिर जाके सेट होगा। पर ये आप देख लें कि इसकी क्या हुआ है कि यहाँ पे इसकी विड्थ 2 टाइम्स बढ़ चुकी है और इसकी हाइट 3 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो ये है इसकी स्केल की प्रॉपर्टी। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे से इसकी ये रिमूव कर देता हूँ, सॉरी हम अपना काम गलत कर रहे थे। यहाँ मैं 200 ये ने देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको 100 कर देता हूँ, 150 कर देता हूँ। मैंने इस पे चेंज करना था, इस पे मैं लेता हूँ 100 पिक्सल और इस पे मैं लेता हूँ 70 पिक्सल। अब आप देखें अब क्या होता है, ये देखें, क्योंकि वो मैं उस पे ले रहा था सेकंड टैग पे, और अगर इसको मैं मार्जिन ले लूँ तो बहरहाल फ्रेंड मार्जिन अब वो फिर हमें यूज़ करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी फ्लोट वगैरह और पोजीशन के लिए। तो इसलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप बस इतना यहाँ पे समझ लें कि ये क्या है। अगर हम चेक करें, चलो ठीक है, ये मार्जिन लेफ्ट यहाँ से हो गया। तो ये देखें अब मैंने क्या किया, समझाता हूँ। इसकी विड्थ थी 100 पिक्सल और हाइट थी 70 पिक्सल। जब मैंने इसको ये किया ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी अप्लाई करके, स्केल दिया है कि इसके 2 टाइम्स वो विड्थ इंक्रीज हो जाए और 3 टाइम्स इसकी हाइट इंक्रीज हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वक्त इसकी हाइट ज़्यादा शो हो रही है ना, हालांकि मैंने जो एक्चुअल इसकी हाइट दी थी वो कम दी थी, लेकिन अब इसकी हाइट ज़्यादा शो हो रही है। मतलब है कि मैंने इसकी हाइट को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है स्केल की प्रॉपर्टीज को यूज़ करते हुए। ये स्केल की प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करके हाइट या वेट को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे है हमारी स्क्यू की प्रॉपर्टी। स्क्यू एक्स अलहदा से है और स्क्यू वाई अलहदा से है, मैंने इकट्ठा भी ले सकते होते हैं। मैं पहले आपको अलहदा बता के फिर इकट्ठा भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होता है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वही काम करता हूँ कि मैं ये यहाँ पे इसको कॉपी करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेता हूँ। इसको डेव 4 कर देता हूँ, मैं इसीलिए अलहदा देख रहा हूँ ताकि, क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत होगी ये तो मैं उसको ये सेंड कर दूँगा, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि किसी को ज़रूरत हो तो जो मैंने फर्स्ट क्लास में अपने ईमेल एड्रेस दिए थे वो उन पे वो कॉन्टेक्ट करके मुझसे ये जो प्रैक्टिकल वर्क है वो ये ले सकता है। तो अब ये हो गया हमारा डिव 4 और अब हम बात करने वाले हैं सक्यू की। तो इसके लिए क्या होगा, मैं यहाँ पे लूँगा सक्यू सक्यू एक्स, एक्स में कैपिटल में ले लूँगा और
इसमें मैं जो लूंगा ये, मैं ये भी जो वैल्यू लूंगा वो डिग्री में ही लूंगा। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 10 डिग्री, तो इसी तरह यहाँ पे भी मैं वही ले लेता हूँ, 10 डिग्री ही ले लेता हूँ इसके अंदर। अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको मूव की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी। हाँ, और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जो यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी वो है MS। जैसा कि मैंने ये लिखा है वेब किट, हम यहाँ पे लिखेंगे MS, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो वो 9 और ऑनवर्ड वो उसको यूज़ करके ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई करता है। तो इसीलिए जो ये प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की वो MS की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो फिर जाके ये वहाँ पे एप्लीकेबल होगी। तो अब मैं इसको सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, हमने D4 भी ले लिया है। तो ये देखें ये हमारे यहाँ पे कैसा शो हो रहा है, अगर आपको नज़र आ रहा हो। मैं इसकी थोड़ी सी हाइट और विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मैं 200 कर देता हूँ, इसको मैं 140 कर देता हूँ। अब ये 2 times इंक्रीज होगी हमारी। ये देखें, एंड जब 10 pixels दी है तो क्या हुआ कि ये जो एक्स एक्सेस से ये हमारे 10 pixels की यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट हो गई है एक्स एक्सेस की तरफ से, ये है इसे क्यू की। अगर मैं यहीं पे अगर वाई से क्यू वाई ले लेता हूँ तो क्या होगा, अब ये अब आप देखें ये हमें क्यू वाई कैपिटल में लिखूंगा वाई, सॉरी यहाँ पे भी हमने चेंज करनी है, यहाँ पे वाई। ये देखें अब ये वाई एक्सेस से थोड़ी सी मूव हो गया है, ये है सिक्यू की प्रॉपर्टी। अब मैं क्या करता हूँ, आप इनको इकट्ठा भी ले सकते हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए ये होगा आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है सिक्यू, और जो आप फर्स्ट दे रहे हैं वो 10 degree दे रहे हैं एक्स एक्सेस के लिए, बाई डिफॉल्ट जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एक्स एक्सेस की होगी, और जो सेकेंड वैल्यू आप देंगे वो मैं 20 degree ले लेता हूँ, वो जो होगी सेकेंड वैल्यू वो होगी हमारे वाई एक्सेस के लिए बाय डिफॉल्ट होती है। इसी तरह मैं 20 degree ले लेता हूँ। ये बहुत ही यूजफुल प्रॉपर्टीज है CSS की। देख लेते हैं कोई गलती तो नहीं इसमें, सिक्यू ठीक है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें क्या होगा, ये देखें अब ये हमारी एक्स एक्सेस से भी हो गई है और वाई एक्सेस से भी हो गई, ये क्योंकि मैंने यहाँ पे इकट्ठा लिया हुआ है। ये देखें मैंने सिर्फ सिक्यू लिया और उसके अंदर मैंने 10 degree और 20 degree लिया है इसकी वैल्यूज। तो ये है CSS की CSS3 की प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म्स ये, और हम इस 2D वर्ड ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, तो हम अगली क्लास में आते हैं उसमें हम 3D वर्ड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप इसको अच्छी तरह कर लें, बाद में फिर हम उसको करेंगे, ताकि आपको अच्छी 2D वाली जब आ गई तो वो 3D वाली जो ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज होगी वो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। तो यही बेहतर है कि आप उसकी प्रैक्टिस इस तरह कर लें। तो मिलते हैं अगली क्लास में।